डियर स्टूडेंट, MEBN की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे क्लास 8 संस्कृत के अध्याय 8 का, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। इस पाठ का सारांश आपको मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के महाराजा उदय सिंह के पुत्र थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप बड़े धीर वीर और गंभीर प्रवृत्ति के बालक थे। धीरे धीरे वे बड़े होते गए और एक बार युद्ध में उनके पिता को मुगल वंश के प्रतापी शासक अकबर ने परास्त कर दिया था। राणा प्रताप अपने उस हारे हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहे और कभी भी अकबर की दासता गुलामी स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर भी उनकी प्रशंसा किया करता था। राणा प्रताप ने अपने आप को, अपने देश को मुगलों से स्वतंत्र कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया और जीवन भर उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की। भले ही वे दर दर की ठोकरें खाते रहे, जंगलों में भटकते रहे और ऐसा भी समय आया जब उनके पास भोजन करने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। तब उन्होंने घास की रोटी खाकर अपना जीवन यापन किया, किंतु अपने जमीर को, अपने आप को मुगलों के अधीन कभी भी होने नहीं दिया। तो इस प्रकार से इस पाठ का सारांश आपको मैंने व्यक्त कर दिया है। पाठ बड़ा ही रोचक है। पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने दूसरों की गुलामी स्वीकार नहीं की और अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा मुगलों से युद्ध करते रहे। इस प्रकार से पाठ का संपूर्ण सारांश आपको मैंने व्यक्त कर दिया है और अब बात करते हैं पाठ के अवलोकन का। तो आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उसकी संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन व्याख्या करते हुए आपको बताता चलूंगा। अध्याय 8 महाराणा प्रताप। परम देश भक्तस्य महाराणा प्रतापस्य नाम को न जानात्। परम देश भक्त महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता है। वह एक परम प्रतापी राजा आसीत। वह एक परम प्रतापी राजा थे। स्वजन्मभूमि परतंत्रता पाशात मोचितुम सह प्राणपणेन निरंतरम संकल्पम अकरोत। वह अपनी जन्मभूमि को परतंत्रता के जाल से मुक्त करने के लिए उसने प्राणों की बाजी लगाकर हमेशा संकल्प किया। महाराणा प्रताप महाराजस्य उदय सिंह पुत्र आसीत। महाराणा प्रताप महाराज उदय सिंह के पुत्र थे। तस्य पितामह राणा सांगा महोदय अति परम वीर आसीत। उनके पितामह का अर्थ होता है कि पिता के पिता। तो उनके जो पितामह थे अर्थात उनके जो दादा थे राणा सांगा महोदय भी परम वीर थे। प्रताप बाल्याकालादेव निर्भीक साहसी च आसीत। महाराणा प्रताप बाल्याकाल से ही या बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। तस्य पिता उदय सिंह स्वभावेन भीरु आसीत। भीरु माने क्या होता है? भीरु का आशय डरपोक होता है। उनके पिता उदय सिंह स्वभाव से डरपोक थे। अतः यदा मुगल शासक अकबर चित्तौड़ राज्यम अधिग्रहणाय आक्रमणेन अकरोत। इसलिए जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ को कब्जे में लेने के लिए आक्रमण किया, सह पुत्ता जयमालयो चित्तौड़ राजस्य रक्षणार्थम नियुक्तिम विधाय स्वयं पलायनम अकरोत। उन्होंने अपने उस राज्य की जिम्मेदारी पुत्ता और जयमाल को चित्तौड़ की रक्षा के लिए नियुक्त करके स्वयं विपलायन कर गए। युद्धे अकबर विजयी अभवत। युद्ध में अकबर जीत गया। च चित्तौड़ राज्य तस्य अधिकार अभवत और चित्तौड़ राज्य पर उसका अधिकार हो गया। उदय सिंह से मृत्यु अनंतरम महाराणा प्रताप शासक अभवत। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप राजा हुए। तदा सह इमाम प्रतिज्ञाम अकरोत यद अहम मुगल शासकात अकबरात चित्तौड़ राज्यम यावत पुनः न ग्रहिष्यामि तावत प्रासादेश न निवस्यामि। तब उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं मुगल शासक अकबर से चित्तौड़ राज्य को जब तक पुनः नहीं ले लूँगा तब तक महलों में नहीं रहूँगा। रजत सुवर्ण पात्रेश न खादिष्यामि और
सोने चांदी की बर्तनों में नहीं खाऊंगा, पर्यंकेश्च शयनं न करिष्यामि और पलंग पर नहीं सोऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की। सहसासेन तस्य प्रतिज्ञाम अपालयत, उन्होंने साहस से अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सह घासस्य रोटिकाम अखादत, वने वने अभ्रमत, और उन्होंने घास की रोटी खाई और जंगल जंगल घूमे। सह क्षुधा पीड़ितम स्वपरिवारम अप्यश्चत तथा धैर्यम ना त्यजत, उन्होंने अपने परिवार को भूखे और पीड़ित रूप में देखा फिर भी धैर्य नहीं त्यागा। विकटे अपि संकटे स वीर कर्तव्य पथात चिदपि विचलितो न अभवत, विकट संकट में भी वह वीर कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। सह कठिन साहसेन प्रबल पराक्रमेण स्वदेशानुरागेण च सह अकबरस्य प्रबलम सैनिक समूहम प्रतिरोधम अकरोत, उसने अपने कठिन साहस प्रबल पराक्रम और अपने देश प्रेम के साथ अकबर के प्रबल सैनिक समूह का प्रतिरोध किया। महाराणा प्रताप मुगल शासकस्य अकबरस्य दासताम कदापि न अमन्यत, महाराणा प्रताप ने मुगल के शासक अकबर की दासता को कभी नहीं स्वीकार किया, कभी नहीं माना। अकबरो अपि तस्य साहसेन पौरुषेण युद्ध कौशलेन च अति प्रभावित अभवत, अकबर भी उनके साहस पौरुष और युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। यदा स्वातंत्र प्रिय महाराणा प्रताप मृत्युशय्यायाम आसीत, जब स्वतंत्रता प्रिय महाराणा प्रताप मृत्युशय्या पर थे, सह स्वजनान अकथयत, उन्होंने अपने लोगों से कहा, यदि सिसोदिया वंशजा अस्य देशस्य रक्षां करिष्यन्ति तदेव मम आत्मनः शांति भविष्यत्, यदि सिसोदिया के वंशज इस देश की रक्षा करेंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यदा ते तम आश्वस्तम अकुर्वन तदा सह स्वप्राणान अत्यजत, जब उन्होंने उनको आश्वस्त किया तब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। परम वीरस्य महाराणा प्रतापस्य स्वतंत्रता प्रेम देशभक्तिश्च अद्यापि अस्मानं भारतीयान आदर्श रूपेण प्रेरयत, परम वीर महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम और देशभक्ति आज भी हम भारतीयों को आदर्श रूप में प्रेरणा देती है। सह अस्माकं देशस्य गौरवम अस्ति, वे हमारे देश के गौरव हैं। प्रकार से अध्याय 8 महाराणा प्रताप आपका चैप्टर समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।